हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज जो है मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्रुप जोन के बारे में। आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ये है क्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से करीबन 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप अपने फोन की EMI पे नहीं करते हैं तो एक्चुअल में आपके साथ क्या हो सकता है, या फोन ब्लॉक हो जाएगा, या कौन सी फाइनेंस कंपनी आपका फोन ब्लॉक कर देती है, क्या आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई थी। लेकिन ग्रुप जोन क्या करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान के चले कि दोस्तों आपने कोई फोन फाइनेंस कराया, ठीक है, तो उस केस में ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल रहता है, वो आपको पता नहीं रहता, और ये तभी अनइंस्टॉल होता है जब आपकी EMI खत्म हो जाती है। ज्यादातर देखा गया है कि सैमसंग फाइनेंस फोन को ब्लॉक कर देती है। मेरे उस वीडियो पे जितने व्यूज आए थे और जिन्होंने कोई प्रॉब्लम था तो जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और मेरे से बातें की, मैंने देखा कि HDFC, बजाज फिनसर्व, होम क्रेडिट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि फोन ब्लॉक हुआ हो, लेकिन सैमसंग फाइनेंस ज्यादातर फोन ब्लॉक कर देती है। या कुछ छोटे मोटे फाइनेंस से आपने जो है अपना फोन फाइनेंस करा रखा है तो वो लोग क्या करते हैं आपके फोन पे ये ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, और वो ऐप तब तक आपके फोन पे रहता है जब तक आपका टेन्योर चल रहा हो। जैसे मान के चले कि आपने 1 साल का जो है टेन्योर दिया या 6 महीने का टेन्योर दिया, आपने 2-3 महीने टाइमली पेमेंट कर दी, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम आए तो आपका फोन एक तरीके से डमी फोन बन जाएगा। आप ना ही कॉल कर पाएंगे, ना ही कुछ उस पर एक्सेस कर पाएंगे, वो पॉपअप आता रहेगा, सिर्फ आपको बोलेगा कि आप अपना मतलब EMI पे कीजिए, आपका फोन जो है ब्लॉक हो गया है। अब उस केस में क्या उपाय हो सकता है, बस एक ही उपाय है, आप पेमेंट कीजिए तभी आपका फोन अनलॉक होगा। इसमें कोई दूसरा वे नहीं है। काफी लोग कहते हैं मैं हैक कर सकता हूं, कुछ ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप अपने फोन पे वो पॉपअप देख सकेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि सर मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा EMI पे फोन था, मैं अभी EMI पे नहीं करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर में अगर आपको भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन नहीं चाहिए, आपके पास काफी पैसा है, आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे को कोई नीड ही नहीं होगी लोन की, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोन फाइनेंस पे है तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका टाइमली पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपका भी जो है वो सिविल ठीक रहे और फ्यूचर में लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन और साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रुप जोन के बारे में, इनका मेन काम यही है कि जब आप फोन फाइनेंस पे लेते हैं ये ऐप इंस्टॉल होता है, वो आपको पता नहीं होगा, आप सिर्फ आप सोचेंगे कि फोन मैंने ले लिया है, लेकिन जब आप पेमेंट फेलियर हो जाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे, EMI नहीं जाएगी, तो आपका फोन वहां हो जाएगा ब्लॉक। अब फोन जब ब्लॉक हो जाएगा तो वो किसी काम का रहेगा नहीं, या तो आप उसको पानी में फेंक देंगे, साथ ही साथ आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और वो फोन का कोई यूज ही नहीं होगा। इसलिए आप टाइमली पेमेंट करें, जो भी आपका वो पॉपअप आ रहा है कुछ टाइम के बाद, आप अगर 2 महीने या 1 महीने के डिले में भी पेमेंट कर देते हैं तो दोस्तों आपके सिविल पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो आप आगे वाले आने वाले टाइम में जो भी आप उसका EMI है आप उसको पे कर दीजिए, आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा, उसमें कोई लॉजिक लगाने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ये कीजिए कि जो भी आपका EMI है आप उसको टाइमली पेमेंट कीजिए। आजकल फाइनेंस कंपनी भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई, वो भी चाह रही है कि उसका पेमेंट जो है वो आए टाइमली। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को पैसे देते हैं और कोई टाइम देते हैं तो 1-2 महीने अगर दोस्त अगर डिले भी कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्यादा डिले करता है तो आप भी उसके घर पे जाएंगे, आप भी उसे कॉल करेंगे, आप भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को जाके बोल दे कि भाई मेरा पेमेंट नहीं दे रहा है। तो सेम रिकवरी वाले भी यही करते हैं। जो लोग कहते हैं कि क्या हो सकता है अगर मैं फोन का फाइनेंस नहीं कर सकता, तो सेम आप 1-2 महीने कॉल करेंगे, आपको हैरेस करेंगे, आपको जब आप नहीं कर रहे होंगे, फोन पे बात भी नहीं कर रहे होंगे, फोन काट रहे होंगे, तो वो आपके घर पहुंचेंगे, वो आपके घर में लोगों को बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे आपके लोकेलिटी में। तो इसलिए जो है आप अपना क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका फोन का फाइनेंस है तो उसको टाइम पे पेमेंट करें, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस ऐप का काम ही यही है कि जब तक आपका फाइनेंस हो रहा है तब तक ये कुछ नहीं बोलेगा, और जैसे ही आपने फाइनेंस नहीं किया, आपने मतलब जैसे आपने EMI पे नहीं किया, तो उस केस में ये आपका पॉपअप आएगा और फ्यूचर में आपका फोन जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,